हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको रॉयल प्ले का न्यू डिज़ाइन लेके आया हूँ। उसका नाम है डिश और उसमें मैंने स्टेंसिल भी किया है बीच में और सेटों में, दोनों सेटों में मैंने डिश जो हमारा पैटेंट है वो डाला है मैंने। तो गाइस, जैसे कि आपने शुरू में देखा ही होगा कि हमने पुट्टी बनाने के लिए क्या यूज किया, इसमें हमने पुट्टी बनाने के लिए यूज किया था मशीन का। मशीन से हमारा काम जल्दी होता है, जल्दी पुट्टी बनती है और अच्छी पुट्टी बनती है। तो गाइस, यहाँ पे हमारी ये ट्रेनिंग चल रही थी हमारी साइट पे और वहीं पे हमने इसको काम शुरू किया था अपना। तो सबसे पहले हमारी जो दीवार थी वो कलर की पीली थी। ये 320 का रेगमार है, ये रेगमार हमारा 320 का है। इस रेगमार को हम वाटर प्रूफ बोलते हैं और ये हमारा सिंपल दीवार पर भी काम करता है और पानी के साथ भी ये काम करता है। तो गाइस, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इससे क्या है कि हमारी रेगमार जो हम मारते हैं तो इससे क्या है कि जो रेसे होते हैं ना रेगमार के, वो नज़र नहीं आते और बहुत अच्छा मतलब काम आता है इससे। तो गाइस, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ इसके बाद हमने क्या किया है। इसको दीवार को अच्छी तरह से साफ़ किया है झाड़ू के साथ, क्योंकि जो उस पर मिट्टी जब हम रगड़ते हैं और डस्ट जम जाती है मतलब पुट्टी की। ये हमारी स्मार्ट केयर डैम सीट है, यानी ये हमारा प्राइमर है। प्राइमर हमारा दो कामों में आता है, एक तो वाटर बेस प्राइमर सबको पता ही होता ही है, लेकिन ये वाटर प्रूफिंग होता है। अगर इसको हम दीवार के अगर बाहर यूज करते हैं और अंदर फिर सीलन नहीं आती इससे, और मोटा अगर हम इसको यूज करते हैं तो एक लीटर में 100 ग्राम पानी डाल के और दीवार पर पीछे कोट लगा दो, उसके ऊपर एपैक्स या फिर जो मर्जी आप करना वो कर लो, अंदर आपके पानी की एक बूंद नहीं आएगी। तो ये वाला प्राइमर हम अंदर भी लगा सकते हैं इसको पतला करके। तो इसको हमने पतला करके अंदर प्राइमर लगाया है। पहला कोट हमने रोलर का प्राइमर से लगाया है, उसके बाद रॉयल लग्जरी इमल्सन है ये हमारा वाइट, इसको मार्क हम रॉयल लग्जरी इमल्सन बोलते हैं और ये हमारा वाइट है। तो हमने 1.5 लीटर माल इसमें से निकाला है और इसमें हमने फिर पानी मिलाया है। अभी हम आपको बता देते कितना पानी मिलाया है इसमें। कम से कम मैक्सिमम 1.5 लीटर हमारा माल था और इसके अंदर जो पानी जो मिलाया हमने वो मैक्सिमम हमारा 600 ग्राम पानी था। 600 ग्राम पानी हमने इसमें मिलाया है और ये इस तरह का इतना पतला हो गया हमारा ये 600 ग्राम पानी डालने के बाद। तो हमने वाइट ही रॉयल करना है नीचे। तो पहला कोट भी हमने ये रूलर से ही लगाया है, ब्रश से सेटों में पट्टियाँ काट के और पहला कोट रूलर से लगाया है और जो आने वाला जो कोट है वो भी हमने रूलर से लगाया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि रूलर के लिए हमने कैसे कैसे चलाया है, आप उस तरह से भी आप रूलर चला सकते हो। और गाइस, ये वीडियो मेरी काफ़ी दिन के बाद आ रही है और वीडियो आई है लेकिन वीडियो अच्छी आई है, आपके लिए ख़राब वीडियो नहीं है, आपको समझाने के लिए आई है, अच्छी वीडियो है। तो गाइस, हमने दूसरा कोट भी चालू कर दिया है इसका और दूसरा कोट भी हमने रॉयल लग्जरी मल्टन का रूलर से ही लगाया है। इस डिज़ाइन पे आप रूलर से डिजाइन लगा सकते हो कोट, या फिर आप ब्रश से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रश से भी यूज कर सकते हो। तो गाइस, आप ब्रश से भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये है हमारा रॉयल प्ले। तो गाइस, ये हमारा रॉयल प्ले है और ये पूरा हमारा वाइट है, इसको बोलते हैं हम रॉयल प्ले PG5। ये हमारा टॉप कोट है दोस्तों, एक चीज़ का कभी भी ध्यान रखना, एक चीज़ ये दोस्तों, हमने ये हमारा पूरा वाइट था तो इसके अंदर हमने ओनली ब्लू स्टैंडर्ड डाला है, ब्लू स्टैंडर्ड डाला है और कोई इसका कोई कलर नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। अगर वाइट आप रॉयल प्ले PG5 मार्केट से आपको मिल जाता है तो उसमें आपने सिर्फ कलर स्टैंडर्ड डालनी है,
विलू स्टैंडर, जितना डार्क जितना भी लाइट रखना है आपने वो रख सकते हो। जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा डार्क होगा, जितने कम डालोगे तो लाइट होगा। और देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा रैगिंग रूलर था और इस रैगिंग रूलर से ही हमने ये डिज़ाइन निकाला है। आपने पीछे देखा होगा कि मैंने आपको रैगिंग रूलर दिखाया था और उसी रूलर से हम रैगिंग रूलर से ही ये डिस निकाल रहे हैं, डिस पैटर्न डाल रहे हैं, मतलब जो डिज़ाइन का नाम है वो डिश है। और दोस्तों आप ये भी देख सकते हो कि रूलर हम जो चला रहे हैं वो किस तरह चला रहे हैं। दोस्तों रूलर जो चलता है हमारा, आपने कटिंग करके चलाना है आपने। जैसे आप देख खुद देख रहे हो कि पैटर्न हमारा कितना अच्छा आ रहा है, ये देखिए पैटर्न में कोई कमी नहीं होगी, बहुत शानदार पैटर्न आया हमारा। दोस्तों मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ उसमें दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से मैं इसके अंदर किस तरह से काम कर रहा हूँ मैं वीडियो के अंदर, तो आप इसे देख सकते हो का जो मैं जो हम डिज़ाइन निकाल रहे हैं तो वो आपको मैंने क्लियरली दिखा दिया है कि किस तरह से हम डिज़ाइन को निकाल रहे हैं। दोस्तों करने के बाद में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, करने के बाद में तो और भी शानदार दीवार लगती है। और वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ और पूरी दीवार जब जैसे हमारी हो जाती है, बस क्या है कि आपने पूरे हाथ को नहीं घुमाना, इसमें सिर्फ ओनली कलाई घुमानी है आपने, कलाई। अगर कलाई घुमाओगे तो आपका ये डिज़ाइन बहुत मस्त निकल के आएगा। और आपने क्या करना है, नीचे वाला हिस्सा हमेशा एक ही जगह रोकना है आपने, नीचे वाला जो हिस्सा है आपका हमेशा एक ही जगह रोकना है, उसको आगे पीछे नहीं रखना है। तो दोस्तों ये फाइनली दीवार हमारी हो चुकी है, सेटों में भी थोड़ा थोड़ा पेंट लगा है तो उसकी हम पैचिंग कर देंगे, बकाया ये फाइनली हमारी दीवार हो चुकी है। किधर की साइड की भी हमने दीवार की थी तो वो भी हमारी फाइनली हो चुकी है। तो देख सकते हो दोस्तों किस तरह का हमने फाइनली डिज़ाइन निकाल के दिया है। ये हमने थोड़ा स्टेंसिल बनाया था, स्टेंसिल की अगली वीडियो में लेके आ रहा हूँ, पूरी वीडियो इसी स्टेंसिल की लेके आऊँगा और दिखाऊँगा आपको किस तरह से मैंने स्टेंसिल बनाया था। उसमें आपको दो तरीके बताऊँगा, दोनों तरीके से आप स्टेंसिल बना सकते हो। तो गाइस आपने देखा कि मैंने ये डिज़ाइन निकाला, निकालने के बाद हमारी दीवार कितनी अच्छी लग रही है और किस तरह की लग रही है तो आप खुद देख सकते हो। और भी अगर करीब से देखना है तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए करीब से, ये करीब से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।